CPIGIE रमेश कुमार के सुपरविजन और SHOIGIE कृष्ण कुमार के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अनुज कुमार, SI कमल, हेड कांस्टेबल अवनीश और कांस्टेबल बीर सिंघंदया की टीम ने एयरपोर्ट पर 5 बांग्लादेशियों समेत 6 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनके पास से इंडियन और बांग्लादेशी पासपोर्ट बरामद हुए हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे ओरिजिनल पासपोर्ट बनाकर बांग्लादेशियों को भारत से बाहर विदेशों में भेजते थे। इनके पास बांग्लादेशी और इंडियन पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बांग्लादेश निवासी 22 वर्षीय फोजिल रब्बी शिन उर्फ सलाम सरदार, 54 वर्षीय अख्तौजमा तालुकदार, 35 वर्षीय रसल उर्फ शाहिदुल शेख द्वारका सेक्टर 23 निवासी, 32 वर्षीय विभोर सैनी उर्फ विपुल पश्चिम बंगाल निवासी, 36 वर्षीय सौरभ घोष उर्फ बशीर उर्फ मिराज शेख व बुराड़ी दिल्ली निवासी, 24 वर्षीय फहीम खान के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 15 फर्जी इमिग्रेशन स्टॉम्प, 2 कंप्यूटर, 27 फर्जी पासपोर्ट जिसमें 13 भारतीय, 12 बांग्लादेशी और 2 नेपाल का पासपोर्ट, 12 चेकबुक और 2 बैंक खाता पासबुक बरामद किया है। DCP IGIE विक्रम के पोरवाल ने बताया कि 11 सितंबर को एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध रूप से टर्मिनल 3 पर घूम रहे 3 यात्रियों शहीदुल शेख, फोजिल रब्बी शिपोन और अख्तौजमा तालुकदार को शक के आधार पर पकड़ा। पूछताछ में तीनों ने बताया कि वो दोहा जाने के लिए एयरपोर्ट पर आए हैं, लेकिन कागजात की जाँच करने पर उनके कब्जे से 3 फर्जी भारतीय पासपोर्ट और 1 बांग्लादेशी पासपोर्ट का फोटोकॉपी मिला। यात्रियों से पूछताछ में पता चला कि शहीदुल शेख और फोजिल रब्बी शिपोन बांग्लादेशी नागरिक हैं और बांग्लादेश में मजदूरी करते हैं। दिल्ली आने पर उनकी मुलाकात एजेंट अख्तौजमा तालुकदार से हुई, जिसने उन्हें फर्जी कागजात के जरिए सबिया भेजने के लिए 1 से 2 लाख और दूसरे से 2.5 लाख रुपए लिए। एजेंट ने शहीदुल शेख का सलाम सरदार के नाम से भारतीय पासपोर्ट का इंतजाम किया। एजेंट अख्तौजमा तालुकदार भी पुलिस गिरफ्त में था। पुलिस ने उसके सराय कालेखा स्थित घर पर छापा मारा और वहां से भारी संख्या में फर्जी पासपोर्ट, स्टॉम्प और अन्य सामान बरामद किए। अख्तौजमा तालुकदार ने बताया कि वो एक अन्य एजेंट बशीर, कुली उर रहमान, फहीम खान और विभोर की मदद से लोगों को विदेश भेजता है। पुलिस ने उसके निशानदेही पर बशीर, विभोर और फहीम खान को गिरफ्तार कर लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी सैकड़ों लोगों को विदेश भेज चुके हैं। इनके एम्बेसी और पासपोर्ट कार्यालय में संपर्क है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और इसमें संलिप्तता पाए जाने पर और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जांच में यह बात सामने आई है कि अख्तौजमा तालुकदार उर्फ अंकल रैकेट का मास्टरमाइंड है और पिछले 7.5 साल से सैकड़ों लोगों को फर्जी कागजात के जरिए विदेश भेज चुका है। अख्तौजमा तालुकदार सराय कालेखा इलाके में 2 फर्जी कंपनियां अतितुर्क इम्पोर्ट और 1 पोर्ट OPC प्राइवेट लिमिटेड और अतितुर्क कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड खोल रखी थी। इन कंपनियों के आधार पर सगना निमंत्रण पत्र जारी करता था और इसकी मदद से विभिन्न देशों से नकली वीजा प्राप्त करता था। उसने अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से बैंक खाते खुलवा रखे थे। वो बशीर की मदद से फर्जी भारतीय पासपोर्ट को तैयार और इंतजाम करता था। सगना लोगों को विदेश भेजने का सारा काम बशीर, कुली उर रहमान, फहीम खान और विभोर के साथ मिलकर करता था। विभोर पहले टर्मिनल 3 पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ का काम कर चुका है, इसलिए हवाई अड्डे के भीतर यात्रियों के बोर्डिंग और इमिग्रेशन क्लियरेंस की व्यवस्था विभोर करता था। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। वेलकम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल डियर फ्रेंड्स। ये एक PS IGIE एयरपोर्ट पे एक हमने केस रजिस्टर किया है, जिसमें अभी तक हमने 6 अक्यूज्ड पर्संस को अरेस्ट किया है, जिसमें से 1 इंडियन है और 5 बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं उन सबके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है। तो ये इंसिडेंट 11 सितंबर का है, जब 2 पैसेंजर्स अपने एक साथी एजेंट के साथ, मतलब 3 पैसेंजर्स सर्बिया जाना चाह रहे थे, तो उनको गेट पे जब रोका गया, CISF ने शक के आधार पे जब चेक किया तो उनके पास फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स पता चले। उन्होंने फिर उनको हमारे हवाले किया और इस पर हमने एक चीटिंग फोर्जरी पासपोर्ट एक्ट के सेक्शंस के तहत एक केस दर्ज किया है, जिसमें हमने इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद फर्दर इंटरोगेशन और तलाशी के बाद फर्दर 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जो इनके एसोसिएट्स हैं और ये एक रैकेट के रूप में काम कर रहे थे। अभी सभी 6
अक्यूज पर्सन सभी पुलिस कस्टडी रिमांड पे चल रहे हैं। हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, जो दिल्ली में भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। इन लोगों के पास से हमने कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं, जिसमें टोटल 27 पासपोर्ट्स हमें मिले हैं, जो कि इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के और नेपाल के भी हैं। इनके पास से हमें 15 स्टैम्प्स मिली हैं, जो कि अलग अलग कंट्रीज की हैं, इंडोनेशिया, यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बांग्लादेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको पहले वो मेडिकल वीज़ा के थ्रू इंडिया में एंटर करवाते हैं, और इंडिया में आने के बाद ये उनके फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके इंडियन आइडेंटिटी बना के उनके पासपोर्ट्स बनाए जाते हैं, और उनको फिर फॉरेन कंट्री भेजने के लिए उन्होंने एक और तरीका बना रखा है कि एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये मेन जो मास्टरमाइंड है, इन्हें खुली हुई है। इस मास्टरमाइंड का नाम है अख्तरुज़्ज़मान। हाँ, सभी के नाम मैं आपको बताता हूँ। तो ये अख्तरुज़्ज़मान तालुकदार, ये जो मास्टरमाइंड है इस रैकेट का, ये शुरू में जब हमने पूछा तो अपने आप को इंडियन बता रहा था, लेकिन इसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है और इसने पूरी इंडियन आइडेंटिटी अपनी बना रखी है। साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स की भी इसी तरह से पासपोर्ट्स और इंडियन आइडेंटिटी इसने बना रखी है। तो इसने कंपनी खोली हुई है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की और कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसके थ्रू ये लेबरर्स के रूप में पहले मेडिकल वीज़ा से बांग्लादेशी को इंडिया में एंटर करा के उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के और फिर उनको दूसरे देशों में भेजने का ये काम करता है। पूछताछ में ये पता चला है कि ये पिछले कई सालों से, 7 सालों से ये कर रहा है और कई और लोगों को ये भेज चुका है, जिस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसी के पास से हमें ये पासपोर्ट्स भी मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सभी बांग्लादेशी नेशनल्स के हैं, जो कि इंडियन पासपोर्ट भी हैं इसमें। इसमें जो दो पैसेंजर्स थे उनका भी यही था पैटर्न, कि वो पहले इंडिया मेडिकल वीज़ा से आए थे, उसके बाद ये एजेंट इनको लेके खुद जा रहा था। इसके बाद पूछताछ में हमने फर्दर 3 लोगों को जो अरेस्ट किया है, इनका नाम है, एक जो इंडियन है वो है विभोर सैनी, जो कि एयरपोर्ट पे ही ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के रूप में पहले कार्यरत था और अभी कुछ समय से वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसका मेन काम होता है कि यहाँ की एजेंसीज के साथ संपर्क बना के ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर भिजवाना। तो अभी ये भी हमारे रिमांड पे चल रहा है, जिसके अभी आपने विजुअल्स लिए। साथ में 2 लोग और हैं, एक फहीम खान और एक बशीर अलियास सौरभ घोष, ये दोनों बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। तो इनका काम होता है, एक फहीम यहाँ से दिल्ली से ऐसे बांग्लादेशीज को कोलकाता लेके जाता है, वहाँ जाने के बाद उनके इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, फिर उनको यहाँ ला के अपने एसोसिएट्स के थ्रू बाहर भिजवाना। और सौरभ घोष जो है, असली उसका नाम है बशीर, जो बांग्लादेशी नेशनल है, वो बांग्लादेशीज को बॉर्डर क्रॉस करवाने में उसका रोल है, जो कि मेडिकल वीज़ा के थ्रू एजेंसी से मिल के वो इसको अंजाम देता है। इस तरह से अभी तक ये 6 लोग हमें हमारी कस्टडी में हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर, अभी तक कितने लोगों को ये लोग बांग्लादेश लाके भारत से बाहर के लिए? इसमें अभी पूछताछ जारी है, रिकॉर्ड पे जिस तरह से आएगा वो हम आगे आपसे शेयर करेंगे, अभी इस पे काम चल रहा है हमारा। इसमें ये जो 2 पैसेंजर्स थे, इन्होंने, एक ने 2 लाख रुपए दिए, एक ने 2.5 लाख रुपए दिए। तो ये अभी इनको सर्बिया लेके जा रहा था, उसके बाद वापस आने के बाद इनका प्लान था कि ये पोलैंड इनको फिर पहुंचाएगा दोबारा। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहें हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।